सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बबलू लाहौरी को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक एंड इंटरेस्टिंग सी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुकी हैं पिछले अगर कोई डिस्कस किया जाए 6 से 7 माह में, तो अब आप कैसे YouTube की पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कैसे अपनी YouTube की वीडियोस को मोनेटाइज करके उनसे पैसे अर्न कर सकते हैं, आज मैं इसी हवाले से आप दोस्तों से बात करने वाला हूँ। प्लीज कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप YouTube की पार्टनरशिप को 2017 में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो एक डिफरेंट प्रोसीजर था और अब जो 2017 में बहुत ज्यादा चेंजेस के बाद एक डिफरेंट प्रोसीजर है और YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और दोस्तों कुछ लोगों ने YouTube के पार्टनर प्रोग्राम का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया और कुछ खामियां YouTube के एल्गोरिथम सिस्टम में भी थी, जिसकी वजह से YouTube को एक बहुत बड़े एडवर्टाइजर बायकॉट का सामना भी करना पड़ा और बहुत बड़ी कंपनियों ने YouTube को एड्स देना बंद कर दिए, जिसकी वजह से YouTube का रेवेन्यू तो कम हुआ ही हुआ और जो ओरिजिनल क्रिएटर थे जो एक अपनी बिल्कुल अच्छी वाली वीडियोस बना के खुद क्रिएट करके क्रिएटिव टाइप की वीडियोस अपलोड कर रहे थे, उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और ये वजह थी सिर्फ वो वाले यूट्यूबर्स जो मौसमी यूट्यूबर्स हैं, जो रंग बिरंगे हकीम आके बैठ गए यूट्यूब के ऊपर। दोस्तों ये सारी चीजें उन्हीं की वजह से थी और उन्हीं की वजह से अब YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आप मोनेटाइजेशन को कैसे इनेबल कर सकते हैं 2017 में। चलिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने YouTube के ऊपर एक ये नया चैनल क्रिएट किया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि न्यूली क्रिएटेड जो चैनल है उसके थ्रू भी आप मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेशन उन्हें सबमिट करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनेबल तभी होगा जब आपके चैनल के ऊपर लाइफ टाइम 10,000 व्यूज हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपकी वीडियोज के मिला के 10,000 व्यूज तक जब तक नहीं पहुँचते तब तक आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो है 10,000 व्यूज़ के बाद ऑटोमेटिकली YouTube का सिस्टम या YouTube वाले या YouTube की टीम आपके जो है चैनल को उसकी आप जो आपने मोनेटाइजेशन की एप्लीकेशन दी है उसे रिव्यू करेगी और उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जी। आपका ये है दोस्तों ये चैनल का डैशबोर्ड है, YouTube चैनल का ये डैशबोर्ड है और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये जो आपको मेन्यू बार नजर आ रहा है यहाँ से आप चैनल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही चैनल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह जो शो हो रहे हैं उनमें से ये जो मोनेटाइजेशन वाली ऑप्शन है ये बिल्कुल आपको इसके साथ एलिजिबल और इनेबल जो है ना यहाँ पे क्लिकेबल बटन है इनेबल का, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आगे इनेबल के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आज से कोई 5-6 मंथ बैक चले जाएं अगर तो इनेबल के बटन के ऊपर मोनेटाइजेशन इनेबल के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज हमें शो होता था वो टोटली डिफरेंट था। उसमें यह था कि अब मोनेटाइजेशन इनेबल पे क्लिक करने के बाद आपको जो पेज शो होता था अब वहां से डायरेक्टली एडसेंस का अकाउंट जो है वो क्रिएट करने की ऑप्शन आपके पास आ जाती थी, लेकिन अभी जो है ये जो नई ऑप्शन है मोनेटाइजेशन इनेबल पे क्लिक करने के बाद तो ये स्टार्ट की ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटस मोनेटाइजेशन नॉट इनेबल्ड, यू कैन अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन एट एनी टाइम, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि एनी टाइम कर सकते हैं अप्लाई, अकाउंट क्रिएट करते साथ भी कर सकते हैं, चैनल बनाते साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टू बी अप्रूव्ड, अप्रूव्ड होने के लिए ऑल चैनल नीड एट लीस्ट 10,000 व्यूज, हर चैनल के ऊपर 10,000 कम अज कम व्यूज होने चाहिए अप्रूव होने के लिए। दिस रिक्वायरमेंट अलाउ अस टू प्रॉपरली एवेलुएट न्यू चैनल्स एंड हेल्प प्रोटेक्ट क्रिएटर कंटेंट, यानी कि ये ऑप्शन इस ऑप्शन से उन्हें यूट्यूब को ये पता चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल क्रिएटर है और कौन से फेक क्रिएटर हैं जो दूसरों की वीडियोज को कॉपी कर रहे हैं। तो उसके बाद है अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, ये एप्लीकेशन है यहाँ से स्टार्ट होगी और इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं यहाँ से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे ही स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये है जी YouTube पार्टनर प्रोग्राम की शरायत। अब इन्होंने उर्दू में भी जो है ना उर्दू वर्जन में भी यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको लिख दिया है ताकि जो लोग नहीं पढ़ते
वो कम अज़ कम उर्दू में ही पढ़ लें, लेकिन फिर भी जो है हमें आप बेहतर है कि इसे एक दफ़ा रीड कर लिया जाए, जो एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे सारे करते हैं, यहाँ पे तीनों बॉक्स को चेक कीजिए और आगे जो है आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिएगा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स एक्सेप्टेड, यहाँ पे पहले स्टेप पे हमने टर्म्स जो हैं पार्टनर प्रोग्राम के टर्म्स एक्सेप्ट कर ली हैं, और उसके बाद जो ऑप्शन है साइन अप फॉर एडसेंस अकाउंट। तो साइन अप जो है उसके लिए हमें एडसेंस का अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी इस आईडी के साथ उसका एडसेंस का अकाउंट नहीं है, तो हमें क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह का पेज होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आप गूगल एडसेंस की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों ये है नीचे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है साइन इन की और एक है क्रिएट अकाउंट की। अगर तो आपने अपनी उसी ईमेल आईडी जिसे आपने यूट्यूब को साइन इन किया हुआ है तो उसी से ये अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं, और रिकमेंडेड भी यही है कि सेम ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल भी हो और यूट्यूब एडसेंस उसके लिए होस्टेड गूगल एडसेंस अकाउंट भी हो जो आपका यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड हो। तो चलिए साइन इन करते हैं। जैसे ही साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही दोस्तों साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसने ये जो माई वेबसाइट वाली ऑप्शन है यहाँ पे इसने जो यूआरएल खुद ही ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से उठा लिया, वो एक्चुअली में चैनल का यूआरएल है जो हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, क्योंकि सेम ईमेल आईडी है उसी से साइन इन किया, तो इसने ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चैनल का यूआरएल उठा दिया और उस चैनल को ये डायरेक्टली एडसेंस के साथ कनेक्ट कर देगी। तो उसके बाद जो है लैंग्वेज इंग्लिश ही रखते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कंट्री टेरिटरी यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान से हूँ मैं तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद है जी यहाँ पे थोड़ी सी इनको अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है, टाइम जोन यहाँ पे दे देते हैं इनको, टाइम जोन यहाँ पे होगा कराची इस्लामाबाद का कोई टाइम जोन होगा प्लस 5 में। तो ये देखिए ये है जी कराची का टाइम जोन, पाकिस्तान का यहाँ से ये टाइम जोन लगेगा। और नेम एंड एड्रेस जो है मैं लिख देता हूँ बिलाल अहमद, जिस नेम से मैंने आईडी क्रिएट की है, हालांकि मेरा अपना नाम नहीं है बिलाल, ये तो मैंने जस्ट एक टेस्टिंग आईडी क्रिएट की है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ जी लाहौर पाकिस्तान, और एड्रेस लाइन 2 में कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे सिटी लिख देते हैं लाहौर। और उसके बाद जी पोस्टल कोड है जी लाहौर का पोस्टल कोड है 54,000, और मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे मैं एक फेक सा मोबाइल नंबर दे देता हूँ उसे, क्योंकि ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए क्रिएट किया है, अदरवाइज मैं इसे जो है इसे यूज़ नहीं करूँगा इस आईडी को, जस्ट आपको डेमो देने के लिए। तो यहाँ पे जो भी है आपने एडसेंस ईमेल प्रेफरेंसेस में जाना है कि आपको कौन कौन सी ईमेल एडसेंस की तरफ से आए, कोई प्रमोशनल ऑफर है, कोई अदर ऑफर है, कोई स्पेशल ऑफर्स हैं, तो आपने अपने हिसाब से कर लेना है। यहाँ पे मैं तो यस कर देता हूँ इसे। उसके बाद सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप माई सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कहेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है फोन नंबर वेरीफाई करें। अब क्योंकि मैंने नंबर तो पीछे फेक दे दिया तो मुझे कोड शोड कैसे इसका रिसीव होगा, चलिए मैं इसको कोई यहाँ से वैलिड नंबर दे के देखता हूँ ताकि कम अज कम कोड वगैरह तो आए। दोस्तों ये कोड मुझे रिसीव हो चुका है, इसे कोड को मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, यहाँ पे मैंने वेरीफाई किया और आगे एडसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका मेरे सामने। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से मैं इस बॉक्स को चेक करके और नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा और आगे से रीडायरेक्टिंग यू बैक टू यूट्यूब, अब आप यूट्यूब के ऊपर बैक रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि सेकेंड वाली ऑप्शन जो है ये भी हमने इनेबल कर ली है। तो उसके बाद दोस्तों है सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंसेस बाय टेलिंग अस व्हाट टाइप ऑफ एड्स टू रन, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तकरीबन यहाँ पे आपने ऑल टाइप की एड्स जो हैं उनके बॉक्सेस को चेक कर लेना है। तो अभी आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने 3 स्टेप्स जो हैं, फर्स्ट स्टेप में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के टर्म्स को एक्सेप्ट किया, सेकेंड में हमने एडसेंस अकाउंट को क्रिएट किया,
और थर्ड में हमने एड्स जो है मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस तीनों को इनेबल कर दिया कि हमें तीनों टाइप की एड जो है अपनी वीडियो के ऊपर चाहिए। तो उसके बाद जो नंबर चार ऑप्शन है इसको आप कुछ नहीं कर सकते, अब ये उन्होंने खुद करना है, गेट रिव्यूड आफ्टर रीचिंग 10,000 व्यूज। जब आपके चैनल के ऊपर 10,000 व्यूज टोटल हो जाएंगे आपकी वीडियोस के व्यूज को मिला के, तो यूट्यूब का सिस्टम या यूट्यूब टीम ऑटोमेटिकली आपके चैनल को रिव्यू करेगी और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वीदर दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू एज अ पार्टनर और नॉट, कि वो आपको अपना YouTube पार्टनर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी अब आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज को लेके या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत सारे अदर कोर्सेज जिनमें इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज हैं, लर्निंग कोर्सेज हैं और अर्निंग कोर्सेज हैं आपके लिए आगे चैनल बबलू लाहौरी में लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अपने होस्ट बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत। Hello.